दोस्तों आपने देखा होगा शादी समारोह में अगर हम किसी बुलाते हैं तो इनविटेशन कार्ड देते हैं, बर्थडे पार्टी हो तो भी इनविटेशन कार्ड देते हैं, और कई लोगों के हाथों में आपने देखा होगा विजिटिंग कार्ड देते हैं वो। तो ये जो बिजनेस की वीडियो है दोस्तों आज की, हम इसी बिजनेस से संबंधित है जिसका नाम है प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस। तो प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस में दोस्तों आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और वो भी बहुत ही कम लागत पर। तो आज हम इस बिजनेस से संबंधित वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस का क्या है, साथ में हम प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस का स्कोप और डिमांड क्या है, प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस में रॉ मटेरियल मशीन क्या लगेगी, प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस में रॉ मटेरियल मशीन कहाँ से खरीदें, प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस में यूटिलिटीज़ क्या लगेगी, प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस में टोटल लागत कितनी होगी, टोटल कमाई कितनी होगी, और साथ में अंत में हम आपको 5 ऐसे पॉइंट बताएंगे जिसकी सहायता से आप प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक देखें, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो में पूरी जानकारी है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पहले नंबर पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस क्या है। दोस्तों शादी कार्ड हुआ, विजिटिंग कार्ड हुआ, पैम्पलेट हुआ, फ्लैक्स हुआ आदि की आपको छपाई करनी होती है मशीन और रॉ मटेरियल की सहायता से, और इसमें आपको मुनाफा होता है, यही प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्कोप और डिमांड। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है दोस्तों कि ये एक हर एक इंसान की ज़रूरत है। अगर शादी होती है तो उसको पैम्प छपवाने हैं, अगर वो दुकान का उद्घाटन करता है तो पैम्पलेट छपवाने होते हैं, होर्डिंग भी लगवाना होता है साथ में ही। दोस्तों अगर किसी की बर्थडे पार्टी है तो भी वो पैम्पलेट वगैरह छपवाता है, और साथ में विजिटिंग कार्ड भी हर एक इंसान की आज ज़रूरत है। तो इस लिहाज से दोस्तों इसका स्कोप और डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या लगेगा। दोस्तों शादी कार्ड हुआ, जैसे समारोह इनविटेशन कार्ड हुआ, विजिटिंग कार्ड हुआ, इनमें कुछ पेपर्स लगते हैं जो कि अलग अलग साइज़ के आते हैं, तो ये पेपर्स आपको लेने पड़ेंगे, कार्ड्स वगैरह लेने पड़ेंगे, कुछ एनवेलप लेना पड़ेगा, कुछ बैनर वगैरह रहता है वो भी आपको प्लास्टिक मटेरियल लेना पड़ेगा, कैंची लेना पड़ेगा, कुछ डोरियां वगैरह लेनी पड़ेंगी, मतलब कुछ और भी आदि डेकोरेटिव आइटम आपको लेने पड़ सकते हैं। दोस्तों ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी किस लेवल पर ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। चौथे नंबर पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर इस बिज़नेस में मशीन और अन्य उपकरण क्या क्या लगेंगे। दोस्तों पहली जो महत्वपूर्ण उपयोगी चीज़ है वो है कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर लेना पड़ेगा, और अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो वो सीखना पड़ेगा, और अगर आप नहीं सीखना चाहते तो एक आपको ऐसा व्यक्ति हायर करना होगा जिसको कंप्यूटर चलाना होता है। ये क्यों ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कोरल ड्रॉ होता है। कोरल ड्रॉ में क्या करना पड़ता है दोस्तों कि आप जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं कार्ड में वो डिज़ाइन बनाना होता है, तो ये डिज़ाइनिंग आपको सीखनी पड़ेगी, या फिर आप एक व्यक्ति भी हायर कर सकते हैं जो 6 से 7 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको प्रिंटर लेने पड़ेंगे। प्रिंटर दो तरीके के आते हैं, पहला प्रिंटर आपको एक साधारण प्रिंटर लेना पड़ेगा जिसमें आपको ये शादी कार्ड हुआ, विजिटिंग कार्ड हुआ, ये सब निकल जाते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रिंटर आपको लेना पड़ेगा जिसमें फ्लैक्स वगैरह होते हैं, होर्डिंग वगैरह होते हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा महंगा भी आता है। तो आप स्टार्टिंग में आप साधारण प्रिंटर से भी कर सकते हैं, और ये प्रिंटर वगैरह आप कहाँ से खरीदें ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, आप इस वीडियो में बने रहें। इसके बाद दोस्तों आप बात कर लेते कि रॉ मटेरियल मशीन कहाँ से खरीदें। तो रॉ मटेरियल आप आपके लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं, या फिर आप इंडिया मार्ट वेबसाइट जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है आप वहां से खरीद सकते हैं। और आप ये देख भी रहे हैं दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस के ये पेपर्स वगैरह होते हैं, ये इंडिया मार्ट से इस तरीके से आप खरीद सकते हैं। देखिए सभी डिटेल दी गई है इसमें कि किस तरीके से आप खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते दोस्तों मशीन कैसे खरीदें। मशीन खरीदने के लिए आप देख रहे हैं दोस्तों ये अमेजोन से आप खरीद सकते हैं मशीन, साधारण मशीन ये देखिए दोस्तों 9,000 से 10,000 रुपये में आ जाती है, और इससे ज़्यादा भी की भी मशीन है, 1 लाख 2 लाख तक की भी मशीन आती है। और अगर आपको फ्लैक्स वाली मशीन लेना है तो दोस्तों आप फ्लैक्स वाली मशीन भी ले सकते हैं जो कि थोड़ी सी महंगी आती है, 2 से 3 लाख रुपये में आती है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अब बात बढ़ते हैं दोस्तों कि हम यूटिलिटीज़ क्या क्या लगेगी। तो यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो पहली चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है जगह, क्योंकि आप कौन सी जगह पर खोल रहे हैं तो वो किराए की भी हो सकती है, स्वयं की भी हो सकती है। अगर किराए की है तो उसमें आपको किराया देना होगा दोस्तों। और दूसरे नंबर पर आपको पावर कनेक्शन लेना होगा। देखिए शादी समारोह में अगर किसी व्यक्ति ने आपको कार्ड बनवाने के लिए दिए हैं तो आपको समय पर देना होगा, इसलिए पावर कनेक्शन कई बार चली जाती है तो आपको जनरेटर भी लेना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके बाद आपको जो दुकान है आपकी उसमें फर्नीचर और काउंटर वगैरह का भी इंतज़ाम करना होगा। अब बात करते हैं कि लागत क्या होगी, या फिर
टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो सामान्य प्रिंटिंग मशीन जो अभी हमने आपको देखी 9000 की भी आती है, भी 10000 की भी आती है, 1 लाख की भी आती है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस को कितने में स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आपको फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन लेनी पड़ेगी, जो भी हम देख चुके हैं, जो 2 लाख से 6 लाख 5 लाख तक आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। रॉ मटेरियल की बात करें तो ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों कि रॉ मटेरियल आप कितने के लेना चाहते हैं। हम मान के चलते हैं 1 से 2 लाख रुपए में आपके रॉ मटेरियल खर्च आ जाएगा, और दूसरे खर्चों को अगर मिला लें तो 1 लाख आ जाएगा। इस तरीके से 3 से 5 लाख में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब बात कर लेते हैं कमाई। किसी भी बिज़नेस में दोस्तों 10 से 20% का मुनाफा ज़रूर होता है, इस लिहाज से आप 50 से 60 हज़ार प्रति महीना या इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। ये आपकी मार्केटिंग पर डिपेंड करता है, ये आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क पर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं। अब बात करते हैं 5 ऐसी टिप्स जो कि आपको इस बिज़नेस में सफल बनाएंगी। पहली टिप्स ये है दोस्तों कि आप जो इन्विटेशन कार्ड है शादी समारोह के, विजिटिंग कार्ड है, इनके अलावा आप जो मग है, टी शर्ट प्रिंटिंग है, ये भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको अतिरिक्त मुनाफा स्टार्ट हो जाएगा। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि इनको आप आसानी के साथ ऑनलाइन बेच सकते हैं या ऑफलाइन अपनी खुद की दुकान में भी बेच सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको आपके बिज़नेस का एडवर्टाइजमेंट ज़रूर करें, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, जैसे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, और ऑफलाइन भी जगह जगह होर्डिंग और बोर्ड लगाकर आप कर सकते हैं, या फिर पैम्पलेट छपवा कर आप न्यूज़पेपर में भी लगवा कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पर आपको जब भी आप कुछ विजिटिंग कार्ड वगैरह ये बनाएं तो दूसरी दुकानों से आप जो प्राइस है वो पता कर लें। प्राइस पता करने के बाद आपका प्राइस थोड़ा सा कम होना चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति आपके पास आए और वो व्यक्ति आपसे ही कार्ड वगैरह छपवाए। इसके बाद आपको जो मशीन आप खरीदेंगे ना दोस्तों, तो मशीन खरीदने से पहले पूरी सावधानी रखें, कई लोग धोखा दे सकते हैं। जब भी आप मशीन खरीदो तो मशीन विक्रेता के पास आप स्वयं जाएं, उसका डेमो देखें, ट्रेनिंग देखें, क्योंकि कई बार हम मशीन ले आते हैं लेकिन उसको ऑपरेट नहीं करना आता है तो फिर परेशानी होती है। तो आप मशीन संबंधित पूरी जानकारी लें। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको बताया प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस के बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें बताता है कि हमने वीडियो किस तरीके का बनाया है। कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, या फिर आप किसी भी बिज़नेस से संबंधित और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको बिज़नेस की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। साथ में ही आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।